दोस्तों, इंसान हो या जानवर, जिंदगी कभी भी हर किसी के साथ सामान्य बर्ताव नहीं करती। जिस तरह से हर इंसान की जिंदगी में कभी कभी खुशियां आती हैं, लेकिन कभी कभी दुख का साया भी उसे घेरता है, उसी तरह जानवरों के जीवन में भी कई बार ऐसे लम्हे आते हैं जब दुख और असहायता उनकी आंखों के सामने अंधेरा कर देती है। खैर, इंसान तो फिर भी थोड़े ठीक समाज में रहते हैं, इस वजह से कभी कभी हमें कोई ना कोई मदद करने वाला मिल ही जाता है। पर जानवरों की सोसाइटी में इतना खुशकिस्मत कोई नहीं होता, क्योंकि जानवरों के समाज में जब भी कोई जीव कमज़ोर पड़ जाता है तो या तो उनकी सोसाइटी में रहने वाले बाकी जीव उसकी हालात का फ़ायदा उठा लेते हैं और उसका शिकार कर लेते हैं, या तो कई बार इंसान के रूप में कुछ पत्थर दिल लोग ही उन कमज़ोर जानवरों का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन ऐसे ही हैवानियत से भरे लोगों के बीच कुछ ऐसे सज्जन पुरुष भी होते हैं जो उन प्रताड़ित जानवरों को उनके हर एक जीवन के दुख से बाहर निकालते हैं और उन्हें हर वह सुख सुविधा देते हैं जिसे वो डिजर्व करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 5 इंसिडेंट्स के बारे में बताने वाले हैं जिसमें इंसानों ने मौत की कगार पर आ चुके बुरी स्थिति में मौजूद इंसानों की सहायता करने के लिए आगे हाथ बढ़ाया और अंतिम दिन तक उनकी ऐसी देखभाल करी कि आज उनकी शारीरिक बनावट देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि कुछ साल पहले उनकी मरने की हालत हो चुकी थी। तो बिना वक्त जाया करे चले शुरू करते हैं इंसानियत जगा देने वाली आज के इस एपिसोड को। ह्यूमैनिटी सेव्ड अ कब। जानवरों को प्रताड़ित करने की ज़्यादातर खबरें सिर्फ और सिर्फ दो ही जगह से आती हैं, या तो चिड़ियाघर जहां पर जानवरों को सही समय पर खाना भी दिया जाता है, घूमने के लिए इन्वायरमेंट भी मिलता है लेकिन एक सीमित दायरे के अंदर एक पिंजरे में, या फिर किसी सर्कस में जहां परिस्थितियां बद से बदतर होती हैं। एक सर्कस में हालात इतने ख़राब होते हैं कि जानवरों को कई बार एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता है, घूमने की आज़ादी तो वहाँ उन्होंने कभी देखी ही नहीं होती और सीमित एरिया के नाम पर भी उन्हें इतनी छोटी जगह में रहने के लिए छोड़ा जाता है जहां पर शायद एक इंसान भी अपने 4 लोगों के परिवार को पाल ना पाए, और इतनी जगह में भी 2 हट्टे कट्टे जानवरों को एक पिंजरा कभी कभी शेयर करना पड़ता है। यह कहानी भी एक ऐसे बंगाल टाइगर आशा की है जिसकी मरणासन परिस्थिति के बावजूद सर्कस वालों ने उसके प्रति कुछ नहीं किया था, लेकिन शायद उसके भाग्य में किसी मसीहा का आना लिखा था जिस वजह से उसे मौत के मुंह से खींच लिया गया। 9 महीने की शेरनी आशा एक ऐसे शेर के साथ अपना पिंजरा शेयर करती थी जिसकी फिजिक आशा से कई गुना बेहतर थी और ताकत के मामले में भी वो आशा से बहुत आगे था, जिस वजह से कई बार वो आशा का खाना तक खा लिया करता था और उस पर हमले भी करता था। जब इस 9 महीने की बेचारी शेरनी की खबर टेक्सास में मौजूद इनसिंक एग्जॉटिक्स वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड एजुकेशनल सेंटर के फाउंडर विक्की कहिया को लगी तो उन्होंने तुरंत इसे मार्च 2011 में अपने पास बुला लिया और अपनी टीम के साथ इसकी अच्छे से मेडिकेशन की, जिसके बाद ये पता चला कि वो शेर की बच्ची तो रिंगवर्म की चपेट में थी जिस वजह से उसके बाल झड़ गए थे, और यही कारण था कि जहां 3 महीने की उम्र वाले बच्चे ही 10 से 12 किलो के हो जाते हैं, वहीं 9 महीने बीत जाने के बावजूद आशा का वजन उतना ही था। हालांकि जब उसका अच्छे से ध्यान रखा गया और खिलाई पिलाई पर जोर दिया गया तो 2 महीने में ही उसने ऐसी रिकवरी दिखाई जो काबिले तारीफ थी, और 2 महीने बाद उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि यही बेजुबान जानवर पहले किस स्थिति में रहा करती थी। द डक विथ एन एरो। इस बतख की दुर्दशा देखकर तो किसी की भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। सोचिए, जब हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में कोई चीज चुभ जाती है तो हमसे सहा नहीं जाता, लेकिन तस्वीरों में आप जिस बतख को देख रहे हैं वो एक दिन अप्रैल में चेक रिपब्लिक के पेल्सिन में देखी गई थी, जहां पहली बार उसको लेकर ये पाया गया कि उस बतख के सिर में एक तीर आर पार हो चुका है, और विडंबना ऐसी थी कि बतख होने के नाते वो अपने हाथों से उस चीज को निकाल भी नहीं सकती थी। अमूमन तो ऐसा ही देखा जाता है कि जब किसी जानवर के किसी सामान्य से अंग से भी तीर ऐसी चीज आर पार हो जाती है तो कुछ ही घंटों या दिनों में उसकी मौत हो जाती है, लेकिन इस बतख के मरने का शायद सही समय नहीं आया था जिस वजह से सिर जैसी नाजुक जगह पर तीर आर पार होने के बावजूद उसकी मौत नहीं हुई, जो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं। जैसे ही अप्रैल में एनिमल रेस्क्यूअर्स ने इस बतख को देखा तो उन्होंने तुरंत ही इसे बचाने के लिए मदद करने की कोशिश की, लेकिन इंसानी बेरहमी के कारण इस वक्त जानवरों के अंदर ऐसा खौफ बैठ चुका है
कि कोई भी जानवर इंसानों को देखकर ही कोसों दूर भागता है, जिस वजह से जब भी बतख को बचाने का प्रयास करने वाले बतख के पास गुजरते थे, बतख पूरी रफ्तार से उन्हें चकमा देकर भाग जाती थी। हालांकि 3 महीने तक कड़ी मशक्कत करने के बाद अंततः रेस्क्यू टीम ने बतख को पकड़ा और उसे एक असहनीय पीड़ा से निजात दिलाया, वरना भगवान जाने आगे इस बतख को और कितना दर्द झेलना पड़ता। एलेसेंड्रो डेस्को सेव्ड एथेना। एलेसेंड्रो डेस्को को 27 अप्रैल 2020 के दिन एक कॉल आई, जिसमें उसे पता चला कि आसपास उसके जानने पहचाने वाले ने एक पिटबुल को देखा जिसकी हालत बेहद गंभीर थी, और इस बात को सुनकर एलेसेंड्रो तुरंत वहां पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद जब उसने कुत्ते की हालत देखी तो सच में उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुत्ते के शरीर के हर कोने में इन्फेक्शन हुआ पड़ा था और माथे के बीचों बीच एक बड़ा सा छेद हो गया था जो किसी घाव की वजह से बना होगा, और उस घाव के अंदर ढेर सारा पस था जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत सारे कीड़े पनपने लगे थे। और सोचिए, एक कुत्ता ऐसी हालत में मरने के लिए झाड़ियों में भटक रहा था। जब उसने इस कुत्ते को इतनी बुरी हालत में देखा तो उसे रहा नहीं गया और तुरंत ही कुत्ते को उठाकर अपने घर ले आया और वहां उसका नाम एथेना रखा। एथेना घर आते ही थोड़ा सा सहम गई थी और सभी को लग रहा था कि जिस हिसाब से उसके शरीर पर इन्फेक्शन है और उसके माथे पर इतना गहरा घाव है जहाँ से कीड़े रेंग रेंग कर बाहर आ रहे हैं, उसे देखकर आसपास के लोगों ने यही कहा कि ये तो 1-2 हफ्ते में ही मर जाएगा, चाहे कितना ही महंगा इलाज क्यों ना करवाया जाए। लेकिन इंसानियत और अपने प्यार के नाते भरोसे पे ही सही, एलेसेंड्रो ने एथेना को एक मौका देना चाहा, और यही वजह थी कि बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर्स को दिखाने के बाद और इलाज करवाने के बाद 5 महीनों तक एलेसेंड्रो ने एथेना की अच्छे से देखभाल की, और सिर्फ 5 महीने में उसकी जिंदगी ऐसी बदल गई कि कोई बता भी नहीं सकता था कि उसके माथे पर कभी कोई ऐसा घाव हुआ करता था। एथेना से मिलने के बाद एलेसेंड्रो का अकेलापन पूरी तरह से दूर हो गया, जिसके बाद आज के समय में वो 8 कुत्ते पाल चुका है और उसकी जिंदगी में बिल्कुल अकेलापन नहीं रहा। द अब्यूज डॉग। ऐसा कई बार देखा जाता है कि जिन लोगों को कालकोठरी में अंधेरे में कई महीनों तक कैद किया जाता है, उन्हें सूरज की रोशनी देखने की आदत नहीं होती, जिस वजह से उन्हें कभी भी वापस से सूरज की रोशनी दिखाई जाती है तो वो उसी से डर जाते हैं और वापस से अंधेरे की ओर भागने लगते हैं। आयरलैंड की एक रेस्क्यू टीम ने एक बार ऐसे ही कुत्ते को बचाया जो घंटों तक किसी की ओर देखता नहीं था और सिर्फ दीवार की तरफ मुंह फेर के रहता था। यहाँ तक कि जब कभी भी उसको खाना दिया जाता था तो वो खाना भी नहीं खाता था, और कोई उसकी ओर हाथ सहलाने के लिए भी बढ़ता था तो भी उसका बर्ताव इस प्रकार रहता था जैसे बेचारा सालों से प्रताड़ित किया गया हो। रेस्क्यू टीम ने बताया कि ये कुत्ता सालों से एनिमल अब्यूज का शिकार रहा है, जिस वजह से इसके अंदर हर एक चीज का इतना खौफ बैठ गया है कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता और एक कोने में डरा सहमा पड़ा रहता है। हालांकि 2 महीने तक इसकी अच्छे से देखभाल के बाद इसका बर्ताव वापस से सामान्य होता गया, लेकिन इन सभी चीजों को देखकर लगता है कि आखिर इंसानियत किस हद तक नीचे गिर चुकी है। द इंटेंगल्ड फॉक्स। वैसे तो लोमड़ियां शातिर और खतरनाक मानी जाती हैं, लेकिन आज की हमारी इस वीडियो को देखकर आपका दिल भी शायद बदल जाए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोमड़ी का एक छोटा सा बच्चा शायद भूख की वजह से गलती से किसी घर के गार्डन के जाल में फंस गया, और गार्डन के जाल में फंसने से हमारे भारत में कितने ही जानवरों की बुरी हालत हो जाती है ये तो आप जानते ही हैं। शायद इसका भी कुछ ऐसा ही हाल होता, लेकिन सुबह उठने के बाद जब आसपास के लोगों ने इसकी यह हालत देखी तो उन्होंने वाइल्डलाइफ एड नाम के ऑर्गेनाइजेशन को इस बारे में सूचित किया, और खबर मिलते ही ऑर्गेनाइजेशन से साइमन और लॉरी लोमड़ी की मदद के लिए आगे आए। इसके बाद दोनों की सबसे पहली प्रायोरिटी यही थी कि लोमड़ी के बच्चे को बिना ज्यादा जख्मी किए बाहर निकालें। काम मुश्किल तो था लेकिन नामुमकिन नहीं, जिस वजह से इस क्यूट सी लोमड़ी के बच्चे को अपनी सूझबूझ के कारण इन दोनों ही प्रतिनिधियों ने जाल से निकाल लिया और इसे कोई भयानक चोट नहीं आने दी। वैसे इस लोमड़ी की क्यूटनेस के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, और अगर आपने भी कभी किसी जानवर की मदद की है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में उसका किस्सा जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।